अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को पूरा भरोसा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। तभी तो वो जहां एक तरफ चादर और भगवान के मंदिर पर भरोसा जता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश अपने रथ पर अपना पूरा विश्वास कायम किए हुए हैं। तो क्या चादर और रथ से प्रदेश में बनेगी समाजवादी सरकार? रथ तो चलिए मान लिया कि अखिलेश की ताकत है, अखिलेश की विजय रथ यात्रा ही तो है जो उन्हें जीत की तरफ ले जा रही है। लेकिन सवाल ये कि चादर कैसे? शिवपाल सिंह यादव की कौन सी चादर है जो 2022 में समाजवादी पार्टी को चुनाव जिता रही है? तो ये वो चादर है जो दरगाह हजरत मखदूम की मजार पर शिवपाल सिंह यादव ने चढ़ाई और दावा किया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जब जब हम अरे नीचे 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 9 PM नीचे और नीचे दिन से पहले आए थे तब भी हमारी सरकार कुल मिलाकर मजार पर चादर चढ़ाने के बाद शिवपाल सिंह यादव को भरोसा हो गया है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश से गठबंधन कर अखिलेश के नेतृत्व में सत्ता पाने के लिए हुंकार भरी है। शिवपाल सिंह यादव अखिलेश को काबिल मानते हैं और उन पर भरोसा जताते हैं। एक दफा नहीं बल्कि कई दफा समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश को ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। अखिलेश को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का शिवपाल सिंह यादव ने दम भरा है। मजार के अलावा शिवपाल सिंह यादव मंदिर भी पहुंचे, गोंडा के दुखहरणनाथ मंदिर में। वहाँ पर भी उन्होंने माथा टेक कर सरकार बनाने का आशीर्वाद मांगा था। मंदिर के महंत रुद्र नारायण ने विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा करवाई थी, दूध से जलाभिषेक करवाया था। शिवपाल सिंह यादव ने बाबा से सरकार बनाने का आशीर्वाद मांगा था। यानी शिवपाल सिंह यादव मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाकर तो अखिलेश के लिए आशीर्वाद मांग ही रहे हैं, साथ ही अखिलेश के नाम का प्रचार करने का भी दम भर रहे हैं। अखिलेश के नाम का इस चुनाव में झंडा गाड़ देने का दावा कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव कह चुके हैं कि वो जल्द ही अखिलेश के साथ मंच भी साझा करते नजर आएंगे। मतलब आप ये मानिए कि शिवपाल सिंह यादव अपनी ताकत और अपने प्रचार से तो अखिलेश को चुनाव जिताने की जी तोड़ कोशिश कर ही रहे हैं, साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेने से भी खुद को पीछे नहीं रख रहे। हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का मत समाजवादी पार्टी को जाए। वहीं अखिलेश तो अपने विजय रथ के जरिए जीत की हुंकार भर ही रहे हैं, सत्ता में बैठी पार्टी को अपनी ताकत से डरा ही रहे हैं। अखिलेश कह चुके हैं कि उनका ये विजय रथ उन्हें जीत की तरफ ले जाता है। अखिलेश ने कहा, जब भी हमने रथ यात्रा निकाली हमें जीत मिली है। 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले रथ यात्रा निकाली थी, उस समय उनकी साइकिल यात्रा ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन 2017 में ये रथ यात्रा नहीं निकाली थी। अखिलेश को कहीं ना कहीं लगता है कि 2017 में रथ यात्रा नहीं निकालने की वजह से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना होगा कि शिवपाल सिंह यादव की मंदिर मस्जिद की पूजा और अखिलेश की विजय रथ यात्रा की ताकत मिलकर चुनाव में क्या कमाल दिखाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि शिवपाल की चादर और अखिलेश का रथ इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को कामयाबी दिलवाएंगे? क्या इस चुनाव में जीत का परचम लहरा पाने में सफल हो पाएंगे अखिलेश यादव? आपकी इस पर राय हमारे साथ जरूर साझा करें।